इधर हैं दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात दो नौ, दस, ग्यारह। दोस्तों जया जी का चप्पल उखड़ गया है, बना देते हैं इसको। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी दोपहर हो गई है और हम घर पर हैं, तो दोस्तों आज हम लोग जाएंगे सिंधिया उठाने के लिए। जैसे कि दोस्तों आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाए थे सिंधिया का रेसिपी बना करके, तो दोस्तों पहले छोटी छोटी सिंधिया थी और जितनी भी बड़ी बड़ी थी तो हम लोग उठा लाए थे और उनका रेसिपी बना लिए थे, और मतलब गदरी गदरी सब ले आए थे दोस्तों, और छोटी छोटी कच्ची कच्ची बची थी जो कि दोस्तों वो एकदम कड़ू होती हैं। तो अब वो सारी पक गई होंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, पानी भी बरस चुका है दो तीन बार, क्योंकि बारिश होने के बाद वो सारी पक जाती हैं। तभी दोस्तों हम जा रहे हैं उठा के लाते हैं और उनका कुछ नया रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं खेत पर और आपको दिखाते हैं कहाँ पर सिंधिया उठाएंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा रास्ता सही नहीं है, क्योंकि रास्ता तो अच्छा था लेकिन ये दोस्तों जोंडी जो है ना तो बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसके चलते आओ आओ तुम, मैं देखता हूँ इधर। आओ यहाँ पर वो था एक दिन, यहाँ पर कुछ ना कुछ दोस्तों कीड़ा मकूड़ा घूमता रहता है, और यहाँ का रास्ता तो अच्छा रहता है दोस्तों, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है तो इसकी वजह से अभी दिक्कत हो रही है। अभी महीना भर के बाद ये सब खत्म हो जाएगा ना। आओ नीचे देख, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। आओ तो दोस्तों आ गए हैं, ये देखिए थोड़ी दूर बचा है, और ये दोस्तों तिली का पेड़ है, ये देख सकते हो ऐसी जगह में सिंधिया मिलती है, बचा क्या ना चलिया हुआ है, ये तार बाजू में लगे हैं। तो दोस्तों खेत में ही आ गए हैं, ये वाला खेत है और आगे खेत और है उसी में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें तिली बड़ी बड़ी हो गई है। और देख क्या ना थोड़ा, और ये आ गया दोस्तों खेत, ये देखिए पूरा इतना बड़ा खेत है तिली का है दोस्तों, इसी में सिंधिया मिलेंगी, पिछली बार यहीं से लेके गए थे। तो चलो अभी इनसे ढूंढते हैं चुई चुई ना है? ये देखिए देखिए यहीं से शुरुआत हो गई, ये देखो कच्ची है, पकी वाली भी नहीं है, इसमें कच्ची है। इसके लिए कि दोस्तों ये रोड में पड़ता है थोड़ा, यहाँ से आदमी आते जाते रहते हैं ना, तो ये ज़मीन थोड़ा कठोर हो गई है और इसको उठा लेते हैं जो भी आते जाते हैं ना, तो उठा लेते हैं तो इसके लिए नहीं बचती है, नहीं तो यहाँ भी पकी होगी ना। यहाँ पर जय जी ने देख लिया कितनी मस्त पकी है, ये देखिए यहाँ पर ये देखा एकदम मस्त अंटा है। ऐसी ऐसी दोस्तों ढूंढेंगे हम ना, तो चलो ढूंढो फिर ढूंढेंगे, इसी को डालेंगे पहले, इसी शुरुआत हो गई तो चलो चलो फिर उठो। और दोस्तों अब बारिश हो गई है ना, कई दिन से बारिश हो रही है, दो दिन से, तो अब थोड़ा मतलब ज़्यादा पक गई है ना, बस बचा के चलना है खेत में, तिली मत रहो ना। और पेड़ बड़े बड़े पेड़ हमें ना, ये देखिए कितना मस्त बड़ी बड़ी, आओ आओ इधर देखिए, ये देखिए और ये देखो कितनी पड़ी, बहुत अच्छी है, उठा लो एकदम मस्त एकदम पकी हुई है। वो देखो कितनी सारी, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो, अरे यहाँ पर उधर की, तुम उठाओ, बैठो बैठो, उठाओ इधर, हम बैठते हैं, हाँ उठाओ, ये देखिए दोस्तों कितनी सारी पड़ी है, उठाओ और दिखाओ, ये देखो दो, और देखो और है बहुत सारी है, ये देखो फूट, सब उठा लो, सब उठा लो। और ये पहले सब कच्ची थी है ना, अभी सब पक गई है, मस्त बहुत सारी है। और दोस्तों ऐसा मिलेंगी ना तो तसला हमारा भर जाएगा ना। और देखो दूसरे पे ये कभी और है, थोड़ा सा बच्चे कच्ची कच्ची ना, उसको बराबर उठा लो, और इधर कहीं पेड़ ही नहीं दिख रहा ना, चलो आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आगे देखते हैं दोस्तों, आ जाओ देखती रहे ना, खलिहार ज़्यादा है ना, साफ नहीं है, ये है पेड़ ये है पेड़ ये है ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, छोटी छोटी है, कोई ले गया है मुझे लग रहा है, ज़्यादा कहीं कहीं पर एकदम ही नहीं है, उधर देखो उधर पे है बहुत सारे, चलो आओ ये देखिए दोस्तों कितनी सारी पड़ी है यहाँ पर, निकाल लो
बैक कमरे करके दिखाते हैं आपको जी दोस्तों। ये देखिए इधर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत सारी है ना, और उधर भी पड़ी कुछ बहुत। तो चलो इनको उठा लेते हैं, ये सब चुई हैं दोस्तों, एकदम चुई मस्त अंटा। बिटिया को देखना वो घास वास छीन रही है, तीली नौ से खा ले रही है बिटिया, उसको देखना अच्छी तरह से। बहुत सारी पड़ी हैं इधर, अरे कितनी हैं अभी दिख नहीं रही बराबर। ये सब पक गई हैं, उस बार तो हम गदरी ले गए थे, ये सब पकी हैं, चुई है, ये सब चुई है। अब ये भी लास्ट है ना, ककड़ी का लास्ट तो हो गया ना। अरे यहाँ पर कितनी पड़ी देखिए, बहुत है ना, अब लास्ट है, अब एक दो बार और होंगी बस खराब ख़त्म हो जाएंगी। तो इतनी हो गई दोस्तों, ये देखिए अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा तसला भर लिया है और सब पकी पकी है ना, इनमें दोस्तों बहुत ही कम गदरी होंगी, नहीं तो पूरी पकी पकी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सब पकी गई है। देखिए खेत एकदम बड़ा सा खेत है दोस्तों, पूरा खेत हमने ढूंढ रखा है, पूरा खेत यहाँ से वहाँ तक छान मारा है ना, तब जाके इतनी मिल पाई है। और टाइम तो लगता है दोस्तों, एक घंटे से ऊपर हो गया है ना, तो घूमते घूमते दोस्तों पैर दर्द करने लगे हैं। अब इनको लेके जाएंगे दोस्तों घर पर, इनको अभी धो पहले धुलना पड़ेगा ना, पूरा एकदम मिट्टी लगी है देख सकते हो, एकदम से मिट्टी मिट्टी हो गई है ना। हाँ, मिट्टी बहुत लगी, फूटी भी उतरी है देखो, फूटी तो बहुत है, फूट एक दो और तीन ये भी है। और नीचे चार, कई फूटे भी बहुत हैं दोस्तों, जैसे अभी बड़ी बड़ी फूट हम बहुत ही खाए हैं और आपको दिखाएं, उसे छोटी छोटी इसमें भी फूट है ना सिंधिया में। तो चलो अभी चलते हैं घर में दोस्तों, और फिर वहीं पर इनको धुलेंगे। तो चलो फिर हाँ, उठाओ उठाओ ये हमारी बेटी को, उल्टा आ रही है, घास पकड़ रही है, घास पकड़ रही है। जैसे दोस्तों ये पाती है ना, ये ले आई नोच कर, इनको नोच कर खा लेती है, और ये जब पाती है ना इनको बहुत नोच नोच नोचा है, लेकिन खाने नहीं दिया है, उसको हटा देते हैं हम। देखो उधर उधर तार देखना, तार लग मत जाएंगे, सगले तार लगे दोस्तों खेत में आते, क्योंकि जानवर यहाँ पर बहुत आते जाते रहते हैं, पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए अपने अपने खेत के सामने लोगों ने तार लगवा रखा है। तो चलिए दोस्तों अभी चल रहे हैं घर तरफ, आ जाओ जल्दी जल्दी, देख के ना नीचे को, क्योंकि अभी रास्ता थोड़ा ख़राब है, कीड़ा मीड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों कचरा हो गया है, चारा ज़्यादा जाम आया है रास्ते में। तो चलिए आओ बराबर आओ, क्या हो गया, क्या हो गया, देखा चप्पल उखड़ गया क्या, देखा बना तो देखा बन जाएगा ना दोस्तों। जय जी का चप्पल उखड़ गया है, बना देते हैं इसको, ये लग जाएगा आसानी से। देखो ये देखो बन गया ना, चलो पानी हो गया, इतनी जल्दी बन गई। अरे वो प्लास्टिक वाला है ना, वो थोड़ी टूटा थोड़ी है। चलो आओ भैया आओ, आराम आराम ना बचा के। तो दोस्तों आ गए हैं घर में, थोड़ी दूर बचा है, और ये जैसे कि देख रहे हो कार भी हमारे घर के बाजू से ही लगी रहती है, तो ये कट जाएगी, थोड़ा और साफ दिखने लगेगा, अभी थोड़ा काटी नहीं है तो बहुत डर सा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। हटाओ 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 हटाओ, चल 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 हटाओ, नहीं मान रही, अरे दिखाओ, कब नोच लिया, कुछ भी नोच के खा ले रही है यार, लेती है चलो लो, खराब ही लिया। तो दोस्तों आ गए हैं घर पे, और हमारी बेटी बहुत ज़्यादा दोस्तों हरकत कर रही है, कुछ भी पा जा रही है उसको नोच के खा ले रही है तुरंत। तो बहुत दूर था दोस्तों, तो चलो अब आ गए हैं घर पे, ये घर खुल गया, चलो फिलहाल पहले इसको धो लेते हैं। चलिए दोस्तों इनको धो लेते हैं, पानी लेके आओ,
पानी खत्म हो गया है, दिखाओ थोड़ा सा। पानी खत्म हो गया दोस्तों हमारे घर का, देखिए क्या डलिए में धो के रखेंगे। अल्लाह अल्लाह वो रखिए वहाँ पर, रखिए चूल्हे के पास में रखिए, लेके आओ नहीं तो। हाँ डलिया ही ले आओ, ले आओ पहले उसमें रख लेंगे बाद में धो के रख लेंगे। चलो डालो इसमें डालो तो दोस्त, अब इनको धो लेंगे बढ़िया। और देखिए कितना मस्त पकी पकी है, मिट्टी लगी है ना अभी, ये मिट्टी बहुत देर में छूटेगी दोस्तों, एक एक करके छुटाना पड़ता है ना, एक घंटा तो इसमें बीत जाएगा। देखो कितनी पकी है, ये कितनी अच्छी है, देखो दिखाओ, खा लो इसको। और सब तो अच्छी वैसे सब हैं, लेकिन इनमें से कोई तो ज़्यादा अच्छी होगी ना, अभी बहुत सारी उसमें जो अच्छी अच्छी ज़्यादा हैं, तो दो तीन बार धुलना पड़ेगा। लो पहले धुल दो इनको दोस्तों, कई बार धुलना पड़ेगा क्योंकि इनमें माटी तो है ना छूटती नहीं है उस तरह से, एक बार में दो बार में छूटेगी ही नहीं। अच्छी है, ख़राब ज़्यादा निकलेंगी ना क्योंकि अभी बारिश हो गया ना दोस्तों, तो ख़राब ज़्यादा निकलेंगी, थोड़ा ख़राब है। अच्छी है, एक एक साफ करके हम धर रहे हैं, एक एक धुलना पड़ेगा मिट्टी रह जाएगी। अचार ही बनाएंगे और अभी तो दोस्तों इनको हम खा लेंगे और जो भी बचेंगे सब्जी बना लेंगे ना, तो कुछ तो खा लेंगे क्योंकि कुछ की रही, कुछ ख़राब निकल जाएंगे, कुछ खा लेंगे और कुछ का सब्ज़ी बना लेंगे। उसके लिए हम लोग ज़्यादा ले आए हैं, अगर थोड़ा लेके आते तो ख़राब निकल जाती है तो फिर सब्ज़ी कम पड़ जाएगी ना। और उस बार दोस्तों हम सब्ज़ी बनाए थे दूसरी तरीके से, इस बार बनाएंगे दूसरी तरीके से, इस बार भरवा बनाएंगे। भरवा सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अभी और धुलते हैं दो बार। हाँ धुलो और डालो। तो दोस्तों धो लिया है, अब चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ, आ जाओ लो पकड़ो। तो चलिए दोस्तों, धूप काफ़ी तेज निकला है ना, धूप बहुत जोर निकल गया दोस्तों। ये हमारा ब्रेकर, बार बार इसको उठाना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है। ये आ गए दोस्तों छवि में, तो चलो अब दोस्तों इनको खाते हैं, इनको खाएंगे, जो अच्छी होंगी हम लोग खा लेंगे और जो खराबी होंगी फेंक देंगे। और दोस्तों कुछ का सब्ज़ी बना लेंगे, तो आज सब्ज़ी बनाएंगे दोस्तों भरवा वाली। तो अभी हम खाते हैं इनको, अच्छी है देख के खाना। मीठी है, पकी पकी खाएंगे ना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग सब्ज़ी बनाएंगे इसका, और सब्ज़ी बनाएंगे फिर खाएंगे, फिर दोस्तों थोड़ा काम है तो काम करेंगे। तो वीडियो को आज यहीं तक रखेंगे, और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।